जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 24 में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा रिलेशनशिप्स में बात करेंगे। पिछले हफ्ता हमने बात किया रिलेशनशिप पार्ट वन में, हम पौलुस जो है पत्नियों के लिए जो एडवाइस दे रहे थे उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे पौलुस पतियों के लिए क्या एडवाइस देते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एफिसियों अध्याय 5:25 इसमें लिखा गया है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। हस्बैंड्स लव योर वाइफ जस्ट एज क्राइस्ट लव्ड द चर्च एंड गेव हिमसेल्फ अप फॉर हर। पिछले हफ्ता में हमने देखा था कि पत्नियों पति का अधीन रहो जैसे प्रभु के। हमने देखा था अधीन रहना जो है वो जबरदस्ती वाला अधीन नहीं है, लेकिन जैसा परमेश्वर से हम प्रेम करते हुए परमेश्वर का अधीन में रहते हैं, वैसे ही पत्नियां भी परमेश्वर से पति से प्रेम करते हुए अपने आप को पति के अधीन में सौंपना है। उसके बारे में हमने पिछले हफ्ता देखा था। इस हफ्ता लिखा गया है कि पतियों को अपने अपने पत्नी से प्रेम रखने के लिए पौलुस एनकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि उसका एक उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण देते हैं, वो आज हम देखेंगे। पहला उदाहरण जो है पौलुस कहते हैं कि जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है, वैसे ही पति भी अपने पत्नियों से प्रेम रखे। पहले बात मैं बताना चाहूंगा, प्रेम करना वो जो है एक आज्ञा है। परमेश्वर ने पतियों के लिए एक आज्ञा दिया है, पहले प्रेम करना है। तो प्रेम करने के लिए उन्होंने कहा, एक उदाहरण भी पौलुस ने दिया है कि जैसा परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रेम करना और हम मतलब परमेश्वर ने पति को एक सिर बनाया है परिवार का, इसका मतलब उसको हम एक बहुत गर्व के साथ ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि पत्नियां को दबा के रखना है। कई बार ये सोच आ जाता है तो, लेकिन वचन ये कहती है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो सिर बनना प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता एक पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में प्राथमिकता यह है प्रेम करना। यदि हम प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी जो चीज है, परमेश्वर ने हमें सर बनाया, वो जिम्मेदारी हमें दी है, उसको हम प्रेम करते हुए पूरा करते हैं। क्योंकि मसीह ने क्या किया, कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को ही दे दिया। ताकि इसलिए हम जबरदस्ती मसीह से डर के हम मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। वचन में लिखा गया कि पहला योहन्ना में उसने हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए कि वो हमसे पहले प्रेम किया है, उसने हमसे पहले प्रेम किया इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। तो पहला पति का पहला जिम्मेदारी है वो अपने अपने पत्नियों से प्रेम करें, है ना। तो रोमियो 5:8 में ऐसा लिखा गया है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम को भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। तो पति जो है पत्नी को प्रेम तब करेंगे वो उसके योग्य बनेगी, नहीं। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम का भलाई हमारे ऊपर तब दर्शाया है, हम पापी ही थे। यदि पत्नी उस प्रेम की योग्य है या नहीं उससे मतलब नहीं है। वो यदि योग्य नहीं भी होती फिर भी पतियों के लिए वचन पौलुस जो है परमेश्वर ने जो आज्ञा देते हैं वो है प्रेम करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जो है हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेके हमारे दर्द को उसने सहा और क्या किया, हमसे प्रेम किया। और पतियों को भी क्या करना चाहिए, उनको दर्द को भी हमें सह कर उनसे
प्रेम करना चाहिए। दो चीज हमने किया तब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम ये नहीं सोचे कि वो ऐसा है वो वैसे है इसलिए मैं उनसे प्रेम नहीं कर पाता हूँ। नहीं, परमेश्वर कहता है वो वैसे भी हो जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम जैसा जितना बड़ा पापी थे, परमेश्वर से इतना दूर थे, परमेश्वर के सामने आने की योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसके परिवार में हमें शामिल किया। इसलिए उसी रीति से हम भी अपने पत्नी से प्रेम करना चाहिए। यदि पति लोग या पति जो है पत्नियों से जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे प्रेम करने लग जाते और कोई भी शादी नहीं टूटता, क्योंकि हमारे प्रति मसीह का प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है। उसमें कोई शर्त नहीं है, अच्छा ये ऐसा करेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा। मसीह ने हम जब गुनाहों में थे तब से हमने हमसे प्रेम कर लिया। यदि हम भी अनकंडीशनली अपने पत्नी को प्रेम करते हैं तो हमारे शादियों में टूट फूट जो है, करार जो है, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है हमें एक साथ जोड़कर हमें आगे लेके जाती है। उसके बाद यदि हम इफिसियों 5:26 पढ़ते हैं कि उसने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। वो केवल कलीसिया से प्रेम नहीं किया और अपने वचन के द्वारा कलीसिया को क्या किया, शुद्ध किया और पवित्र बनाया। ये जो है कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं वो हमेशा हमें क्या करते हैं, जज करते हैं या हमें वो क्या करते हैं, हमें दंड में या वचन में लिखा कंडम करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है केवल हमें वो बताता नहीं कि हम जैसा गलतियां करते हैं उसको सिर्फ बताते नहीं है, उससे हमें क्या करता है, शुद्ध करता है और उससे उस गलतियों को सुधारने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है और उससे बाहर निकालने के लिए हमें मदद भी करता है। हमारे कमजोरियों में पवित्र आत्मा जो है हमारा सामर्थ्य बन के उससे बाहर निकालने के लिए हमें मदद भी करता है। वैसे ही यदि ऐसा का 1:18 हम यदि पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है, ऐसाया 1:18 यहोवा यह कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएं। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम्हारे पाप जो है बहुत लाल हो वो फिर भी वो हिम के समान सफेद हो जाए, उजाला हो जाए, परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर जैसे ही पति और पत्नियों में कुछ भी कमजोरियां भी रहती है फिर भी क्या करते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए मदद करना चाहिए। परमेश्वर के आओ मेरे से बातचीत करो ताकि हम क्या कर सकें, वाद विवाद करके इसको हम ठीक कर दें। तो पति का केवल वो नहीं कि जज करना चाहिए, वह ऐसी है वो वैसी है, वैसे जज करना नहीं है, उनको एनकरेज करते हुए उनको परमेश्वर का वचन में और मसीह का प्रेम में लेके आगे बढ़ना भी पति का जिम्मेदारी है। उसके बाद हम 5:27 में हम देखते हैं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास कड़ी करें जिसमें ना कलंक ना जूरी ना कोई और ऐसी वस्तुओं का वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो परमेश्वर ने कलीसिया को ऐसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करने के लिए मसीह ने अपने आप को दिया है ताकि कलीसिया में ना कोई खलंग हो ना कोई जूरी हो और कलीसिया ऐसे पवित्र और निर्दोष बने। तो पत्नियों को एक ना कलंक ना जुरी और एक पवित्र और निर्दोष बनाने का जिम्मेदारी जो है पतियों का है वो किसके द्वारा, उनसे प्रेम करने के द्वारा। उसके बाद इफिसियों का 5:28 हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। अभी पौलोस जो है दूसरा उदाहरण लेके आते हैं। पहले उदाहरण ऐसा बोला है जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करता है वैसे ही पति पत्नियों से प्रेम करें। अभी दूसरा उदाहरण पौलोस लेके आते हैं कि जैसा अपने देह से एक बंदा प्रेम करता है वैसे ही अपने पत्नियों से भी
प्रेम करें। वचन में कहते हैं कि जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लव वन अनदर एज यू लव योर सेल्फ। जैसा तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इधर कहते हैं पौलोस कहते हैं कि यदि आप अपने पत्नी से प्रेम करते हो तो आप अपने आप से प्रेम करते हो क्योंकि आप दोनों एक ही शरीर है। तो ये दूसरा उदाहरण है। तो हमें पतियों को क्या करना चाहिए, अपने पत्नियों से अपने शरीर से जैसा प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम करना चाहिए। क्योंकि पत्नियों को प्रेम करना अपने आप से प्रेम करने का समान है। उसके बाद यदि हम 5:29 को पढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ करता है। कोई भी अपने शरीर से वैर नहीं करता, दुश्मनी नहीं करता, लेकिन क्या करता, उस शरीर का पालन और पोषण करता है। क्योंकि जैसा कलीसिया को मसीह जो है पालन पोषण करता है, तो अपने शरीर को अपने पत्नी को संभालना और उनको पालन पोषण करना, उनको प्रेम करना पति का जिम्मेदारी है। क्योंकि उसके द्वारा वो अपने शरीर को ही प्रेम करता है। उसके बाद यदि हम 5:30 पढ़ते हैं, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है, क्योंकि हम किसके देह के अंग है, मसीह का देह का अंग है। हम मसीह का देह के अंग है, इसलिए मसीह क्या करता है, मसीह जो है हमारा सिर है, वो हमारे पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, उसकी आत्मा में अगुवाई करती है ताकि हम मसीह के समान बन जाएं, मसीह के समान एक दूसरे से प्रेम करें। तो इसमें लिखा है कि जैसा अपने शरीर को मसीह जो है संभालता है, एक साथ लेके आगे बढ़ाता है, उससे प्रेम करता है, वैसे ही पति जो है अपने शरीर जो पत्नी को जैसा मसीह ने प्रेम किया वैसे ही प्रेम करें। क्योंकि मसीह भी अपने शरीर के अंग, हर अंग से, मतलब हर विश्वासियों से, हर विश्वासियों को एक, इसमें पौलुस जो है एक दो बात को एक साथ लेके जा रहे हैं। जैसा कलीसिया भी कैसा होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, कलीसिया जो है एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए और मसीह से प्रेम रखना चाहिए क्योंकि मसीह ने हमसे पहले प्रेम किया, वैसे ही पतियों जैसा मसीह के समान प्रेम करते हैं तो पत्नियों जो है पति का अधीन अपने आप हो जाते हैं। कई बार सोचते हैं पति जो है पत्नियों से प्रेम नहीं करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पत्नी जो है उनका अधीन रहे, वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पहला क्या होना है, पहला प्रेम होना जरूरी है। हम वचन में पढ़ते हैं हम मसीह से या परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहला प्रेम किया, इसलिए हम परमेश्वर का अधीन अपने आप को दे देते हैं। उन्होंने हमसे प्रेम किया, अपने शरीर का एक अंग बनाया, उनके परिवार का एक सदस्य बनाया और हमें उनके पुत्र और पुत्रियां कहलाया। तो इसलिए पहला कार्य किसका है, परमेश्वर का है। इसलिए हम मसीह का परमेश्वर का अधीन हो जाते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। वैसे ही पहला परिवार में पहला कार्य किसका होना चाहिए, पतियों का होना जरूरी है। यदि पतियों मसीह के समान अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ पत्नियां जो हैं पति से प्रेम करेंगे और उनके अधीन रहेंगे। ये भेदभाव तब आता है तब अपने आप को, मैं वो पति अपने ईगो को दर्शाना चाहता है तो पत्नियां भी अपने ईगो को दर्शाते हैं। लेकिन यदि पति जो है परमेश्वर के समान, पर जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं वैसे अपने पत्नी को प्रेम करने के लिए कोशिश करते हैं, पत्नियां जो है जरूर उस प्रेम को एहसास करते हुए, मैं कहीं प्रचार सुन चुका हूँ वो कहते हैं पति को पत्नी बदल सकते हैं अपने प्रेम के द्वारा, उनके अधीन रहने के द्वारा पति को आप बदल सकते हो। लेकिन ज्यादातर मैं बहुत कम सुनता हूँ कि पति को कहते हैं नहीं अपने पत्नी को प्रभु परमेश्वर का अपने शरीर के समान, जैसा मसीह ने अपने कलीसिया को प्रेम किया है और अपने आप को दिया है, अपने ऐसा तुम प्रेम करोगे तो अपने पत्नी तुम्हारा अधीन रहेगा, ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों, वो ही बिब्लिकल एक सीरीज है या बिब्लिकल अरेंजमेंट वही है, पति अपने पत्नी से मसीह के समान प्रेम करें ताकि पत्नी जो है तुम्हारे अधीन हो जाए।
तो पहला कार्य, पहला जिम्मेदारी किसका है? पति का है। पहला जिम्मेदारी हमारा है ताकि हम अपने शरीर से जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसे प्रेम करें, ताकि हमारे पत्नियां हमें प्रेम करेगी और हमारे अधीन रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं इफिसियों 5:31, इफिसियों 5:31 में लिखा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक जन होंगे। For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and the two will become one flesh। शादी विवाह में क्या हो जाता है? एक नया परिवार बन जाता है और अपने अपने माता पिता के साथ जो रिश्ता थी इसमें उसमें ये लिखा है कि माता पिता से अलग होकर, उसका मतलब क्या है? उसके बाद जो जिम्मेदारियां परिवार में जो निर्णय लेना होता है और जिम्मेदारियां निभाना होता है वो किसका होता है? इन दोनों के बीच में है। उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को हमें प्रेम करना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, उनके ओल्ड एज में उनको हेल्प करना बच्चों को फर्ज है। लेकिन इस नया परिवार में डिसीशन लेना और इस नया परिवार का चलाना किसका जिम्मेदारी है? इस पति का, पति का जिम्मेदारी है। और उसमें ना इस तरफ का पेरेंट्स ना उस तरफ का पेरेंट्स उसको बीच में आना नहीं चाहिए। ये किसी भी शादी में यदि कोई दिक्कत है, यदि पति का पेरेंट्स या पत्नी का पेरेंट्स कोई भी इनके परिवार का जीवन में अपने हाथ को डालते हैं या बीच में आ जाए तो उस परिवार में जरूर प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि परिवार एक नया परिवार है। वो उस परिवार से उस परिवार को छोड़कर इस परिवार के बारे में सोचना और इसको आगे लेके जाना जरूरी है। डिसीशन लेना और अथॉरिटी ये सब जो है पति का है। उसके बाद उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और उनका पेरेंट्स का संभालना और उनको देखभाल करना जो है बच्चों को जिम्मेदारी है। उसके बाद यदि हम इफिसियों 5:32 में हम देखते हैं, ये वेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह के कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पौलुस कहते हैं कि ये जो है, इसलिए मैंने बोला था पौलुस दोनों चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक कलीसिया के बारे में और दूसरा जो है पारिवारिक जीवन के बारे में, ये दोनों रहस्य को पौलुस जो है बात कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम इफिसियों 5:33 हम पढ़ते हैं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति से बहिमान है। पौलुस अपने अंतिम एनकरेजमेंट ऐसा करते हैं, हर पति जो है अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करें और पत्नी अपने पति का बहिमान है या अधीन रहे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पतियों जो है अपने पत्नी से जैसा मसीह ने प्रेम किया वैसे प्रेम करें और पत्नियां जैसा हम कलीसिया का कलीसिया जो है मसीह का अधीन रहती है वैसे अपने पति का अधीन रहें। आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे और परमेश्वर रिश्तों में अगले स्टेप में बच्चों के लिए वचन क्या कहते हैं उसके बारे में हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपने हमसे प्रेम किया और पिता परमेश्वर हमें आपका एक परिवार का सदस्य बनाया और पिता परमेश्वर कुछ शिक्षा है रिश्तों में हमें परिवार की पारिवारिक रिश्तों में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए उनके बारे में हमने अनुग्रह किया। पतियों के लिए सप्ताह आपने बातचीत किया प्रभु, जैसे आपने कलीसिया से प्रेम किया वैसे अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए आपने हमें हमसे बातचीत किया। धन्यवाद, आने वाले समय में इन वचनों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।